आरपीएन सिंह ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 300 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार का गठन करने वाली है। कांग्रेस के हमले का आरपीएन सिंह ने जवाब दिया है। आपको याद होगा जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि वो तो कायर हैं, आरपीएन सिंह कायर हैं, डर गए इसलिए बीजेपी में चले गए, उस पर भी उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कायर हूं या नहीं हूं ये जनता जनार्दन तय करेगी। आप देखिए आरपीएन सिंह से जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं आरपीएन सिंह। बात करते हैं बीजेपी नेता आरपीएन सिंह से। आरपीएन जी, आपने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों कारण से ज्वाइन किया, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के पीछे क्या नेतृत्व की उदासीनता या फिर संवादहीनता, या आपको लग रहा है कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है? नहीं, देखिए मैंने साफ कहा जिस पार्टी में मैंने इतने सालों काम किया ना वो ऐसी पार्टी रह गई है और ना तो वो ऐसे सोच की रह गई है, इसलिए मैंने उस पार्टी को छोड़ा है। और मेरे साथ जितने तमाम लोग जो कई वर्षों से बदलाव देख रहे थे इस देश में, चाहते थे राष्ट्र हित में कार्य हो, वो लोग भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के राष्ट्र हित में काम करने के लिए आगे आ रहे। आपने 2009 में स्वामी प्रसाद मौर्य को भी हराया था, पूर्वांचल का बड़े नेता है, कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा थे, आपने पार्टी की सेवा की, मनमोहन सरकार में देश की सेवा की, और बीजेपी ज्वाइन करते के साथ कांग्रेस कहने लगी कायर है इसलिए छोड़ के चले। साहब देखिए, इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, किसी व्यक्तिगत टिप्पणी राजनीति में मैंने किया नहीं। कायर हूं या नहीं हूं ये देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, पूर्वांचल की जनता तय करेगी। आखिरी सवाल रहेगा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में मुकाबला मुख्य रूप से दिख रहा है, बीजेपी को आप कितने रूप में देख रहे हैं, किस रूप में? सब पूरा देश जानता है, 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।